हिमाचल की खूबसूरत वादियों से घिरा कसौली का ये ऐतिहासिक क्राइस्टचर्च, जो अपनी 175वीं वर्षगांठ की ओर अग्रसर है। तो हमने सोचा कि जो भी खुदा हमें मौका देता है उस मौका का हम फायदा उठाएं, क्यों ना दो साल हम उसकी जो उसकी सेलिब्रेशन करें। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दर सेलिब्रेशन। इस काम के लिए मैं तो CBN के प्रति जरूर कहूँगा कि वी आर ग्रेटफुल ये पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि CBN जैसे पुराने चर्च को कवर करते हैं, हिस्ट्री को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। एंड सो इस पार्टनरशिप का फायदा उठाते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक गॉस्पेल कन्वेंशन किया जाए, जो कि क्राइस्ट चर्च के इतिहास में फर्स्ट टाइम। और इस म्यूजिकल कन्वेंशन का आनंद उठाया वहां मौजूद सभी लोगों ने, खासकर जब हमें पास्टर साहब ने बताया कि काफ़ी कम फैमिलीज रहेंगी क्रिश्चियन, बाकी टूरिस्ट ज़्यादा रहेंगे, तो हमें लगा कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम रीच कर सके अपने गाने के थ्रू। तो यहाँ का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था। जोएल मोसेस और नैन्सी ब्राउन के गीतों ने वहाँ मौजूद हर एक शख्स को परमेश्वर की मौजूदगी का एहसास कराया। खुदा के धन्यवाद हो कि ये कामयाबी हमको मिली है, खुदा की महिमा होगा, क्योंकि कसौली में पहली बार क्राइस्ट चर्च के अंदर बाहर ओपन स्टेज में पहली प्रोग्राम ये हुआ है आज तक। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आज हुई है अगले साल भी, उसके अगले साल भी बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और बेहतर रूप से हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। भाई जॉय मोजेस, सिस्टर नैन्सी और डैनियल जॉन भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इतने दूर से आए हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग मैसेज था उनका और अनुभव था, टेस्टिमनी था, जिसके वजह से लोग भी आत्मिक रूप से जागरूक हुए हैं।